This video is sponsored by Pixtoons Animation Studio. देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज चैनल। क्या आपने कभी सोचा है, आपसे कभी पूछा है किसी ने कि आपको जानकारी है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले फोन कौन से हैं? आइए उन्हीं जानकारियों के बारे में बात करते हैं। फोन कौन से सबसे ज्यादा बिकते हैं पूरी दुनिया भर में, और ये लिस्ट शायद आपको चौंका देगी। अगर आप अंदाज़ा लगा सकते हो तो दुनिया में 10 से सबसे ज़्यादा बिके मोबाइल की लिस्ट आपको जरूर चौंका देगी। इस लिस्ट में सैमसंग गैलेक्सी एस और नोट सीरीज़, नए आईफोन, शाओमीज युवा या वन प्लस का कोई फ़ोन नहीं है। अगर आप सोच रहे होंगे अगर ये सबसे ज़्यादा बिकने वाले मोबाइल नहीं हैं तो इस लिस्ट में कौन कौन से फ़ोन हैं, आइए आपको बताते हैं कि दुनिया के 10 सबसे ज़्यादा बिकने वाले फ़ोन कौन से हैं। नोकिया 1100 25 करोड़ से ज़्यादा बिक्री है। नोकिया 1100 अब तक का सबसे ज़्यादा बिका मॉडल है। इस फ़ोन को 2003 में लॉन्च किया गया था। नोकिया 1100 के 25 करोड़ से ज़्यादा फ़ोन बिके हैं। नोकिया 1110 25 करोड़ के आसपास सेल। इस फ़ोन में ना कैमरा था ना ही कोई डिज़ाइन फैंसी था, इसके बावजूद अब तक 25 करोड़ के आसपास नोकिया 1011 फ़ोन बिक चुके हैं। आईफोन 6 और 6 प्लस। साल 2014 में रिलीज हुए आईफोन 6 और 6 प्लस की बिक्री 22 करोड़ यूनिट से भी ज़्यादा की रही है। नोकिया 3210 साल 1999 में लॉन्च हुआ था। उसमें फ़ोन का इस्तेमाल केवल कॉल करने और मैसेज भेजने में किया गया था। मौजूद बॉडी और कई कलर ऑप्शन के कारण यह फ़ोन काफ़ी सफल रहा। इसकी सेल करीब 15 करोड़ से ज़्यादा थी। नोकिया 1200 का सबसे अहम फीचर इसकी बैटरी लाइफ थी। इस फ़ोन का टॉक टाइम 7 घंटे और स्टैंड बाई टाइम 390 घंटे था। इस फ़ोन में फ्लैश लाइट भी थी। नोकिया 6600 इस फ़ोन के डिज़ाइन ने इसे स्पेशल बना दिया था। दुनिया भर में इस फ़ोन की 15 करोड़ से ज़्यादा यूनिट बिकी थी। जब 2003 में ये फ़ोन आया था तो हाई एंड मॉडल था। नोकिया 5230 3.2 इंच की टच स्क्रीन के साथ नोकिया 5230 एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन था। इस फ़ोन में 2 मेगापिक्सल का कैमरा और 128 MB की रैम थी। इस फ़ोन की सेल भी 15 करोड़ से ज़्यादा रही थी। सैमसंग E1100 इस फ़ोन की बॉडी काफ़ी मजबूत थी और बैटरी लाइफ भी जानदार थी। ये फ़ोन 2009 में लॉन्च हुआ था। फ़ोन में 1.52 इंच का डिस्प्ले और 1 MB का इंटरनल स्टोरेज था। नोकिया 2600 यह फ़ोन 2004 में आया था। इस फ़ोन की बॉडी काफ़ी मजबूत थी। फ़ोन में 1.5 इंच का डिस्प्ले था। बैटरी लाइफ शानदार होने के साथ ये फ़ोन काफ़ी किफ़ायती भी था। मोटोरोला रेजर V3 अपने समय में एक आइकन था। ये सबसे ज़्यादा बिकने वाला फ्लिप फ़ोन था। इसकी 13,000 करोड़ से भी ज़्यादा यूनिट बिकी थी।